अनुपमा जब स्पाइस सेंट चटनी के मालिक यशदीप और बीजी को लोन चुकाने के लिए ऑफर करेगी तो वो सामने से ये शर्त रख देंगे कि अनुपमा को अगर उनकी मदद करनी है तो स्पाइस सेंट चटनी का आधे का हिस्सेदार बनना होगा या फिर वो अपने पैसे वापस लेकर चली जाए। वहीं अनुपमा कुछ देर सोचेगी कि अब क्या करना चाहिए और फिर ऑफर एक्सेप्ट कर लेगी। वहीं बीजी ये बात सुनकर सातवें आसमान पर पहुंच जाती है कि इसी बहाने अनुपमा और यशदीप साथ ज़्यादा समय बिताएंगे। घर लौटते वक्त अनुपमा सड़क पर ये देखेगी कि गरीब लोगों को खाना मिलने में कितनी दिक्कत होती है, तो वो ये फैसला करेगी कि अब से स्पाइस एंड चटनी में फूड सर्विंग छोटी होगी तो वहीं गरीबों को खाना दिया जाएगा। वहीं जब अनुज के घर जाकर अनुपमा ये बताएगी कि उसने सारे पैसे यशदीप को कर्जा उतारने के लिए दे दिए तो श्रुति कहेगी कि अनुपमा से बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। वो कहेगी कि अनुपमा एक बेवकूफ़ है जिसने जीतने के बाद भी पैसे मुफ्त में उड़ा दिए। अब अनुपमा बताएगी कि यशदीप ने पैसे लेकर अनुपमा को रेस्टोरेंट का बिजनेस पार्टनर बनाया है। वही श्रुति ये सब सुनकर बहुत जलने लगेगी तो फिर अनुज की खुशी देखकर वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी। इसी समय आध्या भी स्कूल से आकर अनुपमा की तारीफ करेगी और थैंक यू बोलेगी जिसकी वजह से वो डांस मैराथन जीत गई। ये सब सुनकर श्रुति को जलन और बेइज्जती महसूस होने लगेगी। वहीं अगर शाह हाउस की बात की जाए तो बा और बनराज जब तपिश के घर से लौटकर वापस आएंगे तो उनके पास बुराई करने को कुछ नहीं होगा। घर में पूजा रखी जाएगी और पंडित के मुताबिक तपिश और डिम्पी की शादी 25 की रखी जाएगी। बनराज वहीं जब शादी की तारीख को आगे बढ़ाने के लिए कहेगा तो शादी उसी तारीख पर रखी जाएगी। अक्षय तृतीया की पूजा में अनुपमा और अनुज को वीडियो कॉल करेंगे और कुछ रस्में भी करेंगे, तो वहीं अनुज अनुपमा और वनराज भी टोंटबाजी करेंगे। दोनों को ही फ़ोन पर न्योता दे देंगे और दोनों भारत आने के लिए हाँ भी कर देंगे। बात करें अनुज और अनुपमा की तो अनुपमा अपने कमरे में तैयार हो रही होगी तभी उसकी चूड़ी फंस जाएगी तो अनुज जाकर उसकी मदद करेगा। अनुज अनुपमा को बिंदी के बारे में बताते हुए बताएगा कि तुम पर वो बिंदी बहुत अच्छी लगती है, तो अनुपमा ये सोचकर वो बिंदी नहीं लगाएगी कि श्रुति को इससे बुरा लगेगा। अनुपमा भी अनुज के लिए अपना प्यार महसूस करने लगेगा लेकिन वो ये सोचकर सब इग्नोर करती रहेगी कि अगर वो दोनों साथ आ गए तो श्रुति की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। आध्या वहीं बातों ही बातों में बता देगी कि उसे पता चल गया है कि अनुपमा दिया के डांस इंस्टीट्यूट में डांस सिखाती है, लेकिन अगर वो दोनों की क्लासेस अलग हो रही हो तो उसे कोई दिक्कत नहीं है।